कांवरियों की सुरक्षा। सावन का महीना शुरू होते ही बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए कांवरियों का हुजूम निकल जाता है। गोरखपुर जनपद से भी भारी संख्या में भोलेनाथ के भक्त देवधर बाबा को जल चढ़ाने जाते हैं। डीजे की धुन पर भक्ति संगीत में गेरुआ वस्त्र धारण किए पैदल ही कांवरियाँ अपने आराध्य देव को सावन माह में जल समर्पित करते हैं और उनसे अपने सुखद जीवन की कामना करते हैं। इस दौरान मंदिरों पर भी शिव भक्तों का हुजूम देखा जाता है। खासकर सोमवार के दिन भगवान शिव के भक्त मंदिरों में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करते हैं। इस दौरान बहुत से भक्त रुद्राभिषेक भी करते हैं। सावन माह में कांवड़ियों की सुरक्षा तथा मंदिरों की सुरक्षा को लेकर गोरखपुर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हाईवे पर अतिरिक्त पिकेट लगाया गया है। इसके अलावा मंदिरों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। गोरखपुर के SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि सावन माह में भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP सुनील गुप्ता ने कहा, सावन माह शुरू होते ही कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है, काफी संख्या में यहाँ कांवड़ लिए जाते हैं जी। अगला सोमवार हमारा सावन का पहला सोमवार होगा, उसके लिए गोरखपुर पुलिस तरह पूरी तरह से तैयार है और कांवड़ के लिए भी यहाँ पर जो है, हालांकि कोई विशेष रूट नहीं है लेकिन फिर भी हाईवे पर एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग और एक्स्ट्रा टुकड़ियों की व्यवस्था की गई है और शहर के सभी मंदिर और गाँव के सभी मंदिरों पर एहतियात बरतने के लिए सभी थानाध्यक्षों और लोअर स्टाफ को इस बात के लिए निर्देश दे दिए गए हैं और जहाँ जहाँ कुछ ज़्यादा भीड़ होने की गुंजाइश है वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स लगाई जा रही है। डीजे बजाने को लेकर के रास्ते पर चलेंगे अक्सर जी जी, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक्स्ट्रा एक फोर व्हीलर गाड़ी और टू व्हीलर्स व्हीकल्स के साथ हम जो है वहाँ पर व्यवस्था में रहेंगे और इसके अलावा PRVs हैं, जो हमारी डायल 100 सिस्टम है उसको भी हमने एक्टिवेट रखा है और जैसा कि सरकार की तरफ से भी आदेश है कि कोई भी अभद्र या फूहड़ किस्म का कोई डीजे नहीं बजाएगा, इस पर भी हम निगरानी रखेंगे। जी बिल्कुल, ये एक भक्ति और श्रद्धा का पर्व है, इसको उसी भावना के साथ मनाना चाहिए और हमारे धर्म में सबसे बड़ी चीज़ है सर्वे भवन्तु सुखिना। ये धर्म जाति पात और मानव जीवन से भी उठ कर के ऊपर की बातें, इस संदेश को फैलाना चाहिए। आपका